केंद्र सरकार ने वेज कोड रूल्स का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसमें कर्मचारियों को 8 की बजाय 9 घंटे कामकाज करना होगा। इस ड्राफ्ट में 8 की बजाय 9 घंटे काम करने की सिफारिश भी की गई है। अभी 8 घंटे के नियम के तहत 26 दिन काम के बाद सैलरी तय होती है। हालांकि इसमें नेशनल मिनिमम वेज की घोषणा नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया है कि भविष्य में एक एक्सपर्ट कमेटी मिनिमम वेज तय करने की सिफारिश सरकार से करे। ड्राफ्ट में सरकार ने अधिकांश पुराने सुझावों को रखा है, जिसमें मजदूरी तय करने के लिए पूरे देश को 3 जियोग्राफिकल वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहले वर्ग में 40 लाख या इससे अधिक की आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन शहर, दूसरे वर्ग में 10 से 40 लाख तक की आबादी वाले नॉन मेट्रोपॉलिटन शहर और तीसरे वर्ग में ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया। श्रम मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से इस ड्राफ्ट पर 1 माह में सुझाव मांगे थे। ये सुझाव आने के बाद अब इस बात की संभावना बताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों को 8 की बजाय 9 घंटे काम करना पड़ सकता है। इधर बैंकों को लेकर एक निर्णय लिया गया है। सरकारी बैंकों की शाखाओं में देर शाम तक मिलने वाली बैंकिंग सुविधाएं बंद कर दी गई है। बैंकों का नया समय हो गया 10:30 से 4:30 बजे तक। इसके बाद शाम के समय जो शाखाएं खोली जाती थी उन्हें अब बंद कर दिया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।